हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सनशाइन सॉफ्टनेट। तो यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप में एक नया अपडेट आया है 6 अगस्त 2022 को। यहाँ पर इस नए अपडेट में आप देखिए कुछ चीज़ को चेंज किया गया है, जिससे सभी आंगनबाड़ी सेविका को जो है सबको समझना जरूरी है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग जो डेली अटेंडेंस बनाते थे, तो वहाँ पर अब जो है यहाँ पर टाइम लिमिट दिया गया। टाइम लिमिट का मतलब है कि आपको अब 7 बजे से यहाँ पर 12 बजे के अंदर ही आपको जो है यहाँ पर जो AWC ओपन क्लोज का यानी कि अटेंडेंस का आप अपना हाजिरी बनाते थे, वो 7 बजे से 12 बजे के अंदर ही बनेगा। उसके बाद अगर 12 बजे के बाद अगर आप बनाने का कोशिश कीजिएगा तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि यही आपका टाइम है, जो केंद्र खोलने का टाइम है उसी के अंदर यहाँ पर दिया गया है। हालांकि आप सभी को मालूम होगा कि जो है बिहार में जो है जो आंगनबाड़ी सेंटर का टाइम है वो चेंज हो चुका है, 9 बजे से 1 बजे हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पहले के टाइम के अनुसार यहाँ पर दिया गया है कि 7 बजे से 12 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7 बजे से 12 बजे के अंदर ही आपको अपना हाजिरी बना लेना है इस नए अपडेट के अनुसार। जैसे आप इस ऐप को अपडेट कीजिएगा, उसके बाद 12 बजे के बाद अगर आप कोशिश कीजिएगा अपना हाजिरी बनाने का या फिर बच्चों का हाजिरी बनाने का, तो वो नहीं हो पाएगा। यहाँ पर चलिए हम आपको जो है अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये जो ऐप है वो अपडेट हो चुका है। इसका जो वर्जन है वो आप देखिए, वर्जन है 14.9, जो कि 6 अगस्त 2022 को नया अपडेट किया गया है। इसे ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक नया चीज फीचर आया है, फेचिंग डिटेल करके आता है। जब भी आप जो है पोषण ट्रैकर को लॉगिन कीजिएगा तो सर्वर से जो है वो कनेक्ट होता है। अब हमने यहाँ पर लॉगिन किया है, फिर से जो है एक नया इंटरफेस आया जो कि फेचिंग डिटेल करके आता है, पहले ये नहीं आता था। अब यहाँ पर देखिए डेली ट्रैकिंग है, यहाँ पर आपका जो अब टाइम दिया गया है, जो आप हाजिरी बनाते हैं, क्या आपने आज आंगनबाड़ी केंद्र खोला है तो हाँ या नहीं करते, ठीक है। तो खोले होते हैं तो हाँ पर आप चेक करते, उसके बाद जो है बच्चों का हाजिरी बनाते हैं। लेकिन अब जो है नया अपडेट के अनुसार जो है यहाँ पर जो 7 बजे से 12 बजे के अंदर ही, जो 00:00 का मतलब होता है 12 बजे, दोपहर के 12 बजे को जो है 00:00 से अंकित किया जाता है, तो इसके अंदर ही आपको जो है वो हाजिरी को बनाना है। दूसरा इसमें जो बड़ा अपडेट किया गया है वो है होम विजिट में, यानी कि जो गृह भ्रमण होता है उसके मॉड्यूल में। यहाँ पर होम विजिट का अगर आप इसके अंदर जाइएगा तो यहाँ पर दो मॉड्यूल को जो है डिलीट किया गया है। एक है एडोलेसेंस गर्ल का, जो कि किशोरी लड़की होती है, और दूसरा है जो स्कूल पूर्व के बच्चे होते हैं 3 से 6 साल के, उनका गृह भ्रमण का पहले का मॉड्यूल था उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। यानी कि अब जो है यहाँ पर जो गृह भ्रमण का फॉर्म आपको भरना है वो 4 मॉड्यूल में भरना है, गर्भवती महिला, धात्री महिला, 0 से 6 मंथ के बच्चे और 6 से 3 वर्ष के बच्चे का, इन्हीं 4 मॉड्यूल का आपको गृह भ्रमण भरना है। जो 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे उनका जो है यहाँ पर गृह भ्रमण का मॉड्यूल को डिलीट कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है।